एमपीएससी इज इक्वल टू यूपीएससी। 2025 से एमपीएससी का पाठ्यक्रम या सिलेबस पूरा यूपीएससी की लाइंस पर हो चुका है, इस बात से तो आप सब वाकिफ होंगे ही। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको एमपीएससी को किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि अभी तक जो एमपीएससी की एग्जाम होती थी उसको एक दूसरी तरह से अप्रोच करना होता था। अभी इस पैटर्न को आपको पूरा यूपीएससी की लाइंस पे अप्रोच करना होगा। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको ये कैसे करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ताजनेकर, डायरेक्टर राहुल सर्स आईएएस एकेडमी। तो आप सब जानते ही हैं कि 1750 नंबर का मेंस हो चुका है। एमपीएससी के एग्जाम में पहले भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता था, अब भी वैसा ही रहने वाला है, लेकिन अभी एमपीएससी की मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि आपको इस एग्जाम को आंसर राइटिंग करके ही अप्रोच करना है। तो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या करना होगा, इस वीडियो में हम इस बात पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ब्रीफली हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या होने वाला है। तो इंटरव्यू की तो बात हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में जीएस का पेपर होगा और एक सीसैट का पेपर होगा, 200-200 नंबर का विद नेगेटिव मार्किंग। तो जिसमें सीसैट क्वालिफाइंग होगा और जीएस के पेपर के बेसिस पे आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। लेकिन जब हम मेंस लिखेंगे तो अभी तक जो मेंस रहता था वो एमसीक्यू पैटर्न का रहता था, लेकिन अभी एमपीएससी का मेंस यूपीएससी जैसा ही हो गया है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होंगे। तो अब इसमें एक एसे का पेपर होगा, फिर चार जीएस के पेपर्स होंगे और दो पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होंगे। तो ऐसे करके 250 मार्क्स ईच, ये 1750 नंबर का एग्जाम होगा और फिर मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आपकी रैंक के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको आपकी सर्विस अलॉट होगी। तो अब अगर ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का एग्जाम हो रहा है तो आपको इसमें आंसर अच्छे लिखते आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को जैसे पहले पढ़ते थे एमपीएससी को, अगर उस हिसाब से अप्रोच करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन कभी नहीं होगा और सालों साल बर्बाद भी होंगे। तो आपको अगर 2025 का एग्जाम क्रैक करना है तो इसके लिए आपको शुरू से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा और आपको अच्छे आंसर ही नहीं लिखते आने चाहिए, आपको उसको फास्ट भी लिखते आना चाहिए। देखिए इस बात का क्या फायदा कि अगर आपको पूरा पेपर आता है, बहुत अच्छे से आता है, सब पे आप आंसर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेपर पूरा नहीं होगा तो उसका क्या फायदा। तो इसीलिए आपको अच्छे आंसर भी लिखते आने चाहिए और उसको फास्ट भी लिखते आना चाहिए। तो इसीलिए अगर 2025 के एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो आपको अभी से बहुत अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बिना आपका नॉलेज कितना भी ज्यादा हो, दुनिया में भी सबसे ज्यादा हो, टॉपर से भी ज्यादा हो पिछले साल के, तो उसका कोई फायदा नहीं, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आप उसको आंसर्स के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है और आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको चूज कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी पढ़ाई और आंसर राइटिंग आपको साइड बाय साइड ही करनी है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए या कौन सा ऑप्शनल आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है। हालांकि वो वीडियो यूपीएससी के लिए है, लेकिन वो अभी एमपीएससी के लिए भी वैसी ही लागू होगी। तो हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस में आप पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, ऐसे चार पेपर है जिसमें फर्स्ट थ्री पेपर्स में जीएस होगा, जैसे कि जिसमें फिर बाकी सारे जीएस के जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स रहते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक से लेकर दुनिया भर की जो चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती है वो सारी फर्स्ट थ्री पेपर्स में होंगी। पेपर फोर लेकिन जो होगा वो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का होगा। तो अब ये एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का जो पेपर है, इसकी एक अलग तरीके से पढ़ाई होती है, इनफैक्ट इसकी ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, ये आपको सोचने को मजबूर करता है। इसमें केस स्टडीज होंगी और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जिसको आपको आंसर करना है अपने वर्ड्स में और अपने व्यूज उस पे देने हैं। तो इसकी पढ़ाई पूरी ऑल टुगेदर अलग वे में करनी होती है और ये एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड जो होता है ये प्रीलिम्स में नहीं होगा। तो जो प्रीलिम्स में आने वाले टॉपिक्स है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर,
करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको सिर्फ पहले जीएस के 3 पेपर्स में ही पूछी जाएंगी। तो आपको पहली बात तो सिलेबस को पहले अच्छे से समझ लेना है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशनड है उन टॉपिक्स पे अपने क्रिस्प नोट्स बनाइए और उसके ऊपर अब यूपीएससी में जो पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपको एमपीएससी का चूंकि पहला एग्जाम रहने वाला है तो आपको उसका कोई बेंचमार्क नहीं है या किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे या क्या होगा उसमें। तो आपके पास एक ही चॉइस बचती है कि आप ये सारे आंसर्स प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी के जो क्वेश्चंस थे उन्हीं के बेसिस पे आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद आप एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड वाले पेपर की भी आंसर राइटिंग कीजिए और खूब सारे एसेज लिखिए। हर हफ्ते 1 से 2 ऐसे आपको लिखते आने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे देखिए ऐसे का अकेले का वेटेज 250 नंबर का है, तो अगर ये 250 नंबर आपको लाख में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो इसके लिए आप कोई पढ़ाई नहीं है कुछ नहीं, आपको बस उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन द सेंस ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, तो जितना लिखोगे उतने आपके एसेज इंप्रूव होते जाएंगे। और आप खुद ही सोचिए कि अगर आप यूपीएससी की या एमपीएससी की पढ़ाई सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के करते रहेंगे तो आप इसको करते ही रहेंगे, जैसे यूपीएससी में लोग सालों साल बर्बाद करते हैं वैसे एमपीएससी में भी सालों साल बर्बाद ही होंगे, क्योंकि अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो ये एग्जाम आपका कभी क्लियर नहीं हो सकता। फिर इसी तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी चूज करके उसकी भी पढ़ाई शुरू करिए और उसके लिए भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जोरों शोरों से कीजिए। तो अब इसमें अभी तक आपने जो ट्रेडिशनल वे में एमपीएससी की पढ़ाई की थी वो अभी काम नहीं आने वाली है, आपको इसको एक नए ओरिएंटेशन के साथ करना होगा। इसीलिए आप असिस्टेंस भी ऐसे लोगों का लीजिए या ऐसे कोचिंग क्लासेस का लीजिए जो जिनकी मास्टरी यूपीएससी में है, क्योंकि अभी ये सिलेबस यूपीएससी के इक्विवेलेंट हो चुका है। तो यूपीएससी की भी जो क्लासेस रहेंगी आप उन्हीं इसमें जाइए जहां पे वो आपको रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं और आपके रेगुलर टेस्ट लेते हैं। आपको इस पढ़ाई को शुरू से ही इंटीग्रेटेड वे में करना है। इंटीग्रेटेड वे में करना है का मतलब ये है कि आपको इसकी प्रीलिम्स की भी पढ़ाई करनी है और मेंस की भी। सपोज आपने हिस्ट्री पढ़ा या ज्योग्राफी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कीजिए और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और ये आंसर्स आपको यूपीएससी के पुराने क्वेश्चंस को लिख के करना, तो इस तरह से आप इसमें धीरे धीरे करके अपना एक प्लान बनाइए और उस प्लान को अमल करना शुरू कीजिए। एंड अभी इसमें जो आपके मेंटर्स या कोच होंगे वो पुराने एमपीएससी वाले आपको इसके लिए गाइड नहीं कर पाएंगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसको यूपीएससी के ही मेंटर्स और कोचेस के पास से करना होगा। तो अगर आप मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, नोट्स बना के, माइक्रो नोट्स बना के और उसकी खूब सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा या आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके बाद प्रीलिम्स में करने को बचेगा क्या, उसमें सिर्फ बचेगा कुछ करंट अफेयर्स, तो उसमें इंडिया स्पेसिफिक और महाराष्ट्र स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, फिर उसमें स्टेट का बजट और यूनियन बजट, तो ये बस ऐसी छोटी मोटी चीजें ही उसमें रह जाएंगी, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो ऐसी ही चीजें आपको करनी बाकी रह जाएंगी, क्योंकि आपका बाकी का ट्रेडिशनल स्टैटिक पार्ट पूरा अच्छी तरह से हो चुका होगा। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपका अगर प्रीलिम क्लियर होता है तो आपका उसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स करते हैं, हमारे भी कई स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है कि वो सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं और फिर प्रीलिम्स अगर क्लियर हो भी जाते हैं तो वो मेंस कभी नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि वो मेंस के लिए कभी प्रिपेयर थे ही नहीं, उन्होंने कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ही नहीं, और इस चक्कर में 4-4, 5-5 बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बावजूद भी वो कभी मेंस क्लियर नहीं होते। सी, आपका इस एग्जाम का को टोटालिटी में पास करने का एम होना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट इन क्लियरिंग जस्ट प्रीलिम्स अनलेस यू पास द एंटायर एग्जाम, यू हैव टू पास द एंटायर एग्जाम इन वन गो। तो अगर उसको वन गो में आपको क्लियर करना है तो आपको इस एमपीएससी के एग्जाम को भी यूपीएससी के पैटर्न पे ही अप्रोच करना होगा और उसमें आपको ढेर सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना मस्ट है। इसमें एक और बात अब ध्यान में रखने वाली ये है कि अभी ये पैटर्न एमपीएससी का और यूपीएससी का सेम हो गया है, तो इस वजह से जो यूपीएससी के महाराष्ट्र के एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस एग्जाम में कम्पीट करेंगे, तो ये एग्जाम का कॉम्पिटिशन लेवल वैसे भी बढ़ने वाला है। तो इसीलिए आप अपने आप को
अभी से अपग्रेड करना शुरू कीजिए। जो लोग सिर्फ एमपीएससी की एग्जाम देते थे वो उनको इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अभी आपके कॉम्पिटिटर्स जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो भी रहने वाले हैं, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो पिछले 3-4 साल से ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी ये सारी पढ़ाई हो चुकी है, या डिपेंड करता है उन्होंने कैसी पढ़ाई की है, लेकिन अगर उन लोगों ने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह की है तो वो आपके आगे रहेंगे। तो आपको उनके इक्वल आना है, उनके भी आगे निकलना है, तो इसके लिए आपको शुरू से ही इस एग्जाम को सिस्टमैटिक और स्ट्रैटेजिक वे में ही अप्रोच करना होगा। तो अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप हमें ईमेल जरूर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर ईमेल्स एज सून एज पॉसिबल। अपना ईमेल आईडी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐसे ही करके आपको अपना कॉम्पिटिशन लेवल भी देखना है और उसमें आपको सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन भी करनी है। तो जैसा हमने पहले भी बात की थी कि अब इस केस में आपको गाइडेंस किसका लेना चाहिए, तो अभी तक जो सिर्फ एमपीएससी की क्लासेस कराते थे उनके पास अगर आप गाइडेंस लेंगे तो वो आपके लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा। उसका कारण ये है कि ये इस पैटर्न के लिए वो खुद भी अपग्रेडेड नहीं थे। अगर वो यूपीएससी का भी कराते थे, जिस भी शहर में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो यूपीएससी का भी कराते थे तो ठीक है, तो फिर वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको उन्हीं तमाम क्लासेस को या मेंटर्स को या कोचेस को अप्रोच करना चाहिए जो ऑलरेडी यूपीएससी में जिन्होंने अपनी एक महारत हासिल कर रखी है और जिन्होंने अपने सिस्टमैटिक प्रोग्राम की वजह से अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम की कंपटीशन लेवल बढ़ने का कारण ये हो जाएगा कि अब जो अर्बन एरियाज में महाराष्ट्र में कई लोग रहते हैं, यानी मान लो कुछ मैरिड हाउसवाइफ्स है या कुछ प्रोफेशनल्स भी है जो अपने प्राइवेट जॉब से खुश नहीं है, और ये तो वो लोग भी जो मराठी मीडियम और इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते थे एमपीएससी में, वो लोग भी अभी इस एग्जाम में उतरेंगे। और अब इसमें एज लिमिट भी ज़्यादा होती है, अब इसमें जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी की ही एज 37 होती है, बाकी कैटेगरीज की और भी ज़्यादा होती है। तो अभी इसमें उतरने वाले लोग और भी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लोग इस एग्जाम को वैसे इसलिए नहीं देते थे क्योंकि ट्रेडिशनल मराठी और इन सब में मराठी मीडियम में इसकी किताबें रहती थी और ये सब रहती थी, तो अर्बन एरियाज के लोग इस एग्जाम को अप्रोच नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये हमसे हो नहीं पाएगा और इसमें ऑलरेडी एमपीएससी के जो पुराने मराठी मीडियम में लोग पढ़ रहे हैं तो उनके साथ कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी ये तमाम लोग जो 30+ है, जिसमें कुछ मैरिड लेडीज हो सकती है और बाकी जो कुछ प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, वो भी इस एग्जाम में अभी डेफिनेटली उतरने वाले हैं। वो भी क्लासेस ज्वाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, लेकिन वो एग्जाम देंगे जरूर, और अगर उन्होंने इस एग्जाम को सिस्टमैटिकली अप्रोच किया तो वो आपके स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स होंगे। अब इसमें एक और बात यह है कि इस पैटर्न की वजह से एक नई अपॉर्चुनिटी भी खुल गई है, तो जो लोग अभी तक इस एग्जाम को नहीं दे पाते थे बिकॉज उनको यूपीएससी उनके लिए बहुत टफ है और उनको गवर्नमेंट जॉब में भी आना था, तो एमपीएससी में अब वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए स्टूडेंट्स रहते थे और उनको मराठी मीडियम से वो ज़्यादा इतने वाकिफ नहीं थे या वो अनकंफर्टेबल रहते थे, तो अभी इसमें सिर्फ आपको एक मराठी मीडियम में एक क्वालिफाइंग पेपर ही देना पड़ेगा, तो उतना तो कोई भी कर लेगा। तो इसलिए ये तमाम लोग जो अर्बन एरियाज के जो स्टूडेंट्स इन द सेंस जो एस्पिरेंट्स है, वो इस एग्जाम में अभी कूद पड़ेंगे, तो इस एग्जाम का कॉम्पिटिशन लेवल अभी बहुत टफ होने वाला है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उसमें विमेंस का रिजर्वेशन भी है, एमपीएससी की एग्जाम में विमेंस रिजर्वेशन होता है, तो इसमें ढेर सारी लेडीज जो ऑलरेडी एजुकेटेड है, जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशंस है, उनको किसी वजह से अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही है और उनको गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, तो वो इस एग्जाम में जरूर देंगी क्योंकि उनका रिजर्वेशन भी है अभी, और उसका पैटर्न जैसा उनको चाहिए था वैसा हो गया है, यूपीएससी उनके हिसाब से बहुत टफ था, तो वो लोग इस एग्जाम में जरूर उतरेंगे। इस बात का ध्यान रखना है और इस एग्जाम की कंपटीशन लेवल को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो के अंत में हम इस बात पे फिर से आएंगे कि इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको इसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही करना होगा। आपको उन्हीं क्लासेस का असिस्टेंस लेना चाहिए जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते हैं, आपको उसका अच्छा फीडबैक देते हैं और उसके खूब सारे टेस्ट लेते हैं, नहीं तो इसमें सालों साल बर्बाद होने तय है अगर आप इसको राइट वे में अप्रोच नहीं करेंगे। तो 2025 की जो एमपीएससी की एग्जाम है, इसके लिए आपको अभी से उसमें जुड़ जाना है।
हमारे यहाँ भी उसकी इंग्लिश और मराठी मीडियम में दोनों में बैचेस शुरू हो रही है, तो आप अगर नागपुर में हैं या नागपुर आ सकते हैं तो आप उन बैचेस का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा और इस एग्जाम को अप्रोच करने का सही तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।